कानपुर में 10वीं क्लास के छात्र कुशाग्र की हत्या को लेकर बवाल मचा हुआ है। पुलिस का दावा है कि उसकी ट्यूशन टीचर और टीचर के बॉयफ्रेंड ने मिलकर कुशाग्र की हत्या की है। फिलहाल ट्यूशन टीचर रचिता और उसका बॉयफ्रेंड प्रभात पुलिस की हिरासत में है। इस मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पहले मामला बताते हैं। 17 वर्षीय कुशाग्र कनोडिया बीते 30 अक्टूबर को अपने ट्यूशन टीचर के यहाँ गया था। आरोप है कि महिला टीचर और उसके बॉयफ्रेंड ने यहीं पर गला दबाकर कुशाग्र की हत्या कर दी। पुलिस का ध्यान भटकाने और मर्डर को धार्मिक एंगल देने के लिए दोनों ने 30 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी। प्रभात शुक्ला ने अपने दोस्त की मदद से स्कूटी की नंबर प्लेट बदली और मृतक कुशाग्र के घर में एक चिट्ठी भी फेंकी। इस चिट्ठी में अल्लाह अकबर लिखकर 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई थी। साथ ही ये भी लिखा गया था कि अल्लाह पर भरोसा रखो। मृतक के परिवार के अनुसार कुशाग्र 30 अक्टूबर को सुबह 5 बजे के आसपास ट्यूशन टीचर के घर के लिए निकला था। इसी दौरान टीचर के बॉयफ्रेंड प्रभात ने उसका पीछा किया। सीसीटीवी में ये दिखाई दिया कि कुशाग्र और प्रभात एक साथ रचिता के घर में प्रवेश करते हैं, लेकिन बाहर सिर्फ प्रभात निकलता है। पुलिस को शक था कि इसी दौरान कुशाग्र की हत्या की गई। फिलहाल ट्यूशन टीचर रचिता और उसका बॉयफ्रेंड प्रभात शुक्ला दोनों पुलिस हिरासत में हैं। प्रभात शुक्ला के दोस्त आर्यन उर्फ अंकित का नाम भी इस मामले में सामने आया है। आरोप है कि प्रभात ने अंकित की मदद से ही कुशाग्र के घर में लेटर छोड़ा था। कानपुर की थाना रायपुरवा पुलिस ने इस मामले में रचिता और प्रभात दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए कानपुर पुलिस के जॉइंट कमिश्नर आनंद तिवारी ने बताया था कि लेटर अपने आप में कंफ्यूजिंग है, उसमें जिन बातों का जिक्र है उनका कोई तुक नहीं बन रहा, बातें इस तरीके से क्यों लिखी गई इसकी जाँच की जा रही है। अब जो खुलासा हुआ है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को शक है कि कुशाग्र की हत्या ट्यूशन टीचर रचिता से प्रेम संबंध के कारण हुई। कुशाग्र के घर वालों ने इस दावे पर सवाल उठाए। अब पुलिस ने कुशाग्र और रचिता की कॉल डिटेल्स निकाली हैं। इससे पता चला है कि दोनों के बीच 40-40 मिनट तक बातचीत होती थी। हालांकि दोनों के फोन में ऐसी कोई चैट या फोटो नहीं मिली है जिससे ये पता चले कि दोनों के बीच कोई प्रेम संबंध था। कॉल डिटेल्स में सामने आया कि कुशाग्र और रचिता के बीच 16 दिनों में 51 बार बात हुई। इसमें से रचिता ने कुशाग्र को 29 बार तो कुशाग्र ने रचिता को 22 बार फोन लगाया था। रचिता ने एक साल पहले कुशाग्र को पढ़ाना छोड़ दिया था। इसके चलते पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है फिर साल भर बाद दोनों में इतनी क्या बात होती थी। कुशाग्र के परिवार वाले पुलिस के इस दावे से संतुष्ट नहीं है। उसके चाचा संजय कनोडिया ने इस बारे में कहा, पुलिस ने बिना किसी सबूत के हमारे भतीजे को बदनाम किया है। वो 15-16 साल का बच्चा था, उसकी टीचर रचिता 25 साल की थी, दोनों के बीच प्रेम संबंध कैसे हो सकता है। हम रचिता को बेटी जैसा मानते थे, वो अक्सर हमारे घर आती जाती रहती थी, वो प्रभात से प्रेम करती थी, उसे शादी करने वाली थी, तो हमारे भतीजे से प्रेम क्यों करेगी या मेरा भतीजा उससे प्रेम क्यों करेगा। ये सब बनावटी कहानी है। इस मामले में जो भी अपडेट होंगे वो हम आप तक पहुँचा देंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी प्रज्ञा। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।